जानवरों की परवरिश में हुकूमत का किरदार। जम्मू कश्मीर में जानवर पालने की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी की इस खत्ते में इंसानी तहजीब की तारीख है। इस इलाके में घोड़े, खच्चर, याक और दूसरे जानवर सदियों से आम लोगों के साथ ही रहे हैं। ये जानवर न सिर्फ इस खत्ते में नकलो अमल का एक अहम जरिया है बल्कि ये लिबास, खुराक और दीगर अहम कामों के लिए भी एक जरिया है। लाइव स्टॉक आज भी प्रोटीन का सबसे सस्ता जरिया है और बहुत सी जमनी मसनुआत जैसे चमड़ा, ऊन, खाद वगैरह मुहैया करता है। ये शोबा न सिर्फ किसानों की आमदनी का जरिया है बल्कि सबकी गजाई जरूरियात को भी पूरा करता है। जम्मू कश्मीर की देही मईशत में मवेशियों की अहमियत हालिया दिनों में मुसलसल बढ़ रही है। इस मुआशी रुझान के पेश नजर हुकूमत हिंद गांव पंचायतों के जरिए इलाके में मवेशियों को फरोग देने के मकसद से कई स्कीमें चला रही है जिसके जरिए इलाके के हर गांव को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। आइए इनमें से कुछ बड़ी स्कीमों को तफसील से समझते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का बुनियादी मकसद मवेशियों के काश्तकारों और किसानों के मयारे जिंदगी को बेहतर बनाना है और इसके नतीजे में मवेशियों के शोबे की पायदार और मसावी तरक्की हासिल करना है। ये स्कीम न सिर्फ मवेशियों की पैदावार के निजामों में मकदारी और मयार की बेहतरी को यकीनी बनाती है बल्कि तमाम किसानों और मवेशियों के पालने वालों की सलाहियत बढ़ाने पर इकसा तवज्जो देती है। हुकूमत जम्मू कश्मीर लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की तैयार करदा टेक्नोलॉजीज को अपनाने पर खास जोर दे रही है। इसी तरह किसान और लाइव स्टॉक काश्तकार नई टेक्नोलॉजीज और तरीकों से वाकिफ हो रहे हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अहम अहदाफ हैं: देही नस्लों का तहफ्फुज करना, मुसलसल पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना, बेजमीन, छोटे और पसमानदा मुआशरे से आने वाले किसानों के लिए माश के मौके को बढ़ाना, मार्केट में बेहतरीन मयार के जानवरों के मसनुआत की फराहमी करना, खुराक और फीड की मांग पर तवज्जो देना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का बुनियादी मकसद दूध की मसनुआत के मायार को बेहतर बनाना और उनकी खरीदारी, प्रोसेसिंग और तकसीम की सलाहियत को बढ़ाना है। हर शोबे की तरह डेयरी सेक्टर भी कोविड-19 से मनफी तौर पर मुतासिर हुआ है। इस प्रोग्राम का एक मकसद ये यकीनी बनाना है कि जम्मू कश्मीर के दूध पैदा करने वालों और ताजीर को हर हाल में मुस्तहकम और खुशहाल मार्केट मिले ताकि देही मईशियत तरक्की के साथ साथ मकामी किसानों का मयार जिंदगी को बेहतर बना सके। मवेशियों की सेहत और बीमारियों का कंट्रोल। जैसा कि वाजे है कि लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम का मकसद जानवरों की बीमारियों को कंट्रोल करना है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और सख्त आबोहवा में जानवरों के बीमार होने के इम्कानात हमेशा से ज्यादा होते हैं। इस स्कीम के जरिए जानवरों की बीमारियों की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि इलाके में जानवरों की परवरिश को तरक्की दी जा सके। भेड़ों, बकरियों, मुर्गियों और दीगर जानवरों में बीमारियों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इसके साथ साथ वेटरिनरी सेंटर्स, डिस्पेंसरियों और
बीमारियों की तशखीसी लेबोरेटरियों को भी मुसलसल मजबूत किया जा रहा है, ताकि हमारी जानवरों की दौलत को किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मवेशियों के काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत मुल्क भर में लाखों किसान दूध यूनियनों से वाबस्ता हैं। एक खसूसी मुहिम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड उन मवेशियों के काश्तकारों को फराहम किया जा रहा है जो अपनी पैदावार मयार या सलाहियत में इजाफा करना चाहते हैं। ये स्कीम खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मवेशियों के काश्तकारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो इलाके में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में नाफिज ये स्कीम मवेशियों की सनाअत की पायदार तरक्की के साथ साथ आम लोगों को गजाइयत की हिफाजत और रोजगार को यकीनी बनाने में और इस खत्ते की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है।